श्रीमान जी मेरा घर झज्जर रोड पे है और 90 साल पुराना मेरा घर है और झज्जर रोड के शिवर चौक हुए पड़े हैं। हर साल बारिश से पहले शिवर की सफाई होती थी, पिछले 3 साल कोई सफाई नहीं हो रही, कोई नालों की सफाई नहीं हो रही। मैं 1 साल से कम 6-7 कंप्लेंट दे चुका हूँ और जो एससी साहब हैं उनको मैं टेलीफोन करता हूँ, वो कभी टेलीफोन नहीं उठाते। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो चौक सीवर है इसका इलाज करवा दिया जाए। और ये बहाना लगाते हैं कि मेरा घर नीचे पड़ गया है, मेरा घर 90 साल पुराना है और ये सीवर पड़े 40 साल पहले, तो ये 1 साल से प्रॉब्लम हुई है। इसका ये कोई बहाना नहीं है इसका सरकार का, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का, कि घर नीचे हो गया और मेरे जो बाथरूम से वो ऊंचे हैं। तो मेरा आपसे प्रार्थना है। नमस्कार सर, जो साहब के घर के खुद की गलती है वो हमारे फोन क्यों नहीं उठाते, फोन नंबर सर रेफरेंस बहुत बार आता सर, मेरे पास तो नहीं आया लेकिन साहब का रेफरेंस आप अभी पूरा नंबर भी सर, इनका नंबर भी सेव करो, नेक्स्ट टाइम भी कंप्लेंट नहीं आएगी तो ऑपरेटर फोन सर। साहब का घर वैसे तो 3-4 फीट नीचे है सर जो मेन रोड से, हमारा जो मेन होल है उसमें और साहब की होती है 6 फीट का वेरिएशन है सर, उसमें हमारे 2-3 फीट सील्ड भी है सर। सील्ड का काम हम अभी मई में 10 फीट में शुरू कर देंगे, हमारा भिवानी रोड पे काम चल रहा है सर, वहाँ से जैसे बकेट खाली होगी वो लाइन पे हम लगा देंगे सर। दूसरा सर, साहब ने एक कंप्लेंट और इसमें ऐड करी हुई थी कि एक पैच हमने एक ब्रेक किया था सीवर लाइन डालने के लिए, उसकी सीसी हमने करा दी है सर, और जो लीडिंग वाला काम है सर वो हम मई के 1 वीक में करके और मई के अंदर जो भी डिवेसेस की मीटिंग होगी उसमें सर उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। एक और मेरी शिकायत है कि जहाँ ये एक बार खोद देते हैं 2-2 साल तक उसको बंद नहीं करते। झज्जर रोड पे बच्चियाँ आती हैं, वहाँ कॉलेज है कि लड़कियों का कॉलेज है, स्कूटी पे बैठ के आती है, वो एक्सीडेंट दो बेचारी गिर जाती हैं, हर रोज 1-2 एक्सीडेंट जरूर होता है। अगर शिकायत अब आपको मैंने शिकायत की ना तो आज सुबह उस पूरी रिपेयर करें, अगर शिकायत ना करो तो 2-2 साल तक ये पूरी। अभी मेरे साथ चलो, ये कह रहे कि हमने पूरा कर दिया, झज्जर रोड के मोड़ पर अभी भी आओ, ऐसे कैसा पड़ा है 2 साल से वो खोदा पड़ा है। मैं एक चीज कर देता हूँ, आपकी जिस वाली की ने कंप्लायंस भी मई महीना कहा है, हाँ जी क्लीन हुई है बिफोर रेनफॉल का जो आप चाहते हो, हाँ जी एक बार पानी ना तो मैं पेंडिंग भी रख लेता हूँ, हाँ जी इसके अंदर आप इंश्योर करोगे कि नेक्स्ट मीटिंग के अंदर आपकी क्लीनिंग प्रोसेस से आपको दूसरे किसी यूएलबी से मशीन मंगानी पड़ेगी, प्रॉपर कंप्लीट करोगे जो आपके पेंडिंग ऐसे पॉटहोल्स हैं जहाँ आपका पैच वर्क हुआ और उसके बाद सेटलमेंट के लिए आपको 2 महीने उसमें छोड़ना पड़ता है क्योंकि बिजली बैठे सेटलमेंटेशन है, वो सारे कंप्लीट करके विद इन सेटिस्फैक्शन पिक्चर के साथ में। थैंक यू।